नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब मामले में मौतों पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। यूनिवर्सिटी ओपी प्रभारी निलंबित। लोदीपुर एसएचओ पर भी होगी कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में फिर हुई एक की मौत, दो गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। स्वामी आगमानंद ने आम लोगों से यात्रा में भाग लेने की अपील। और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर फिर चला बुलडोजर। घंटाघर से स्टेशन चौक तक हटा अतिक्रमण। अब खबरें विस्तार से। एक ओर जहां शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं प्रशासन इसे छुपाने का दबाव परिजनों पर बना रही है। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डी गांव का है, जहां शनिवार को आनंद नामक युवक की मौत घर पर और उसके चचेरे भाई सुबोध की मौत इलाज के क्रम में अस्पताल में ही हो गई थी। सुबोध की मौत के बाद उसके भाई ने बताया कि सुबोध ने शराब पी थी, जिसके कारण दोनों भाइयों की मौत हो गई। मौत के बाद सुबोध के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। वहीं सुबोध के परिवार वालों पर पुलिस ने दबाव बनाया है कि वह यह बताए कि बीमारी से मौत हुई है और परिवार वालों से सादे कागज पर साइन भी करवा लिया। पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई छोड़कर शराब से हुई मौत को छिपाने में लगी हुई थी। बोला था कि सब नहीं बोलिए शराब तराब पिए ला, खाली बोलियो कि पेटों में दर्द है, छाती में दर्द उठे छे, लेटरिन पखाना वाला छे, दो साल से मन खराब छे, दवा से या सब चले छे। इतने टा बोलो ने गोबरगंज थाना जिले लोदीपुर थाना में साइन भी कराया कागज। हाँ। पर कई कागज पर बे दूठो कागज पर साइन कर ल छे। बोलो छले क्या कि शराब पी ल छले। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में तीन लोग नकली शराब का शिकार हो गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक व्यक्ति का नाम स्थानीय निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। आईसीयू में भर्ती गौतम और भावेश बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर विकास के परिजनों का कहना है कि विकास शनिवार की देर शाम गौतम और भावेश के साथ मिलकर शराब का सेवन किया था, जिसके बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। वहीं तीनों के बिगड़ते हालत को देखते हुए परिजनों ने विकास, गौतम और भावेश को मायगंज अस्पताल में दाखिल कराया, जहां रविवार की सुबह विकास की मौत हो गई, जबकि गौतम और भावेश अभी आईसीयू में भर्ती हैं। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घरे जे छै हमरा लेट पड़ै ने, हँ तऽ कहलकै नहि घरमे ओकरा बाद अयलो छौ ने, तऽ देखै छियौ कहाँ लग गेलो ओकरा बाद। कहीं ने, यहीं आबि गेलो। यहीं लगातार हो रही मौतें और जगह जगह मिल रही शराब के मामलों को गंभीरता से लेते हुए रविवार को एसएसपी बाबूराम ने यूनिवर्सिटी ओपी प्रभारी के काम की समीक्षा का निर्देश एसडीपीओ सीडी को दिया था, जिसके आधार पर पिछले तीन माह के दौरान एसएचओ यूनिवर्सिटी थाना द्वारा शराब माफिया के विरुद्ध छापेमारी, गिरफ्तारी, बरामदगी एवं शराब को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने में उनके द्वारा की गई कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाए जाने पर एसएचओ यूनिवर्सिटी ओपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही लोदीपुर थाना अंतर्गत भी दो संदिग्ध मौत के मामले में लोदीपुर एसएचओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए डीआईजी को रिपोर्ट भेजी गई है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा को लेकर रामनवमी शोभा यात्रा समिति भागलपुर के द्वारा भागलपुर में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताते हुए समिति के संरक्षक स्वामी आगमानंद जी महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सभी राम के मानने वाले श्रद्धालु 8 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर भागलपुर के घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जमा होंगे, जहां से शोभा यात्रा खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक होते हुए महादेव टॉकीज होकर लाजपत पार्क पहुँचकर सम्पन्न होगा। उन्होंने इस आयोजन में आम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की। सनातन
आस्तिक हिंदू जनों की ओर से रामनवमी के पावन अवसर पर 8 मार्च को विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। सचमुच यह आयोजन भव्य है, दिव्य है, अद्भुत है, अप्रतिम है। 8 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे आरंभ है। ये घंटाघर से शुरू होगी, जो कि टीचर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर ये एकत्रित होना है। उसके बाद में ये भगत सिंह चौक, खलीफा बाग, वैरायटी चौक और स्टेशन से होते हुए कोतवाली, महादेव टाकीज, खलीफा बाग और लाजपत पार्क में ये संपन्न होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा भागलपुर जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक पद के लिए परीक्षा संचालित की गई। इस परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोनल दंडाधिकारी एवं उड़नदस्ता दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। वहीं नवयुग विद्यालय में कुछ परीक्षार्थियों को अंदर नहीं घुसने देने की बात सामने आई। परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया था, जिसके चलते करीब 30 परीक्षार्थियों को वापस घर लौटना पड़ा, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने कई घंटे परीक्षा केंद्र पर हंगामा भी किया। डीएम ऑफिस जाओ, डीएम को बोलो जाके कि गेट जो है ना 15 मिनट पहले बंद कर दिया है। तो हम सब बोलेंगे डीएम के पास जाएंगे, सोचते हैं जो खोल देगा, बोल रहा था वो खोलेंगे। विश्व रंगमंच दिवस पर आले संस्थान ने रंग संवाद कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कला केंद्र में किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बहादुर मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग व वरिष्ठ साहित्यविद शामिल थे। डॉक्टर बहादुर मिश्र ने नाटक और रंगमंच के कई प्रमुख मुद्दों को लेकर वार्ता रखी और नाटक और रंगमंच के बारे में बताया। कार्यक्रम में आलय नाट्य संस्थान के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के अलावे डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, शशि शंकर के साथ दर्जनों रंगकर्मी मौजूद थे। कोविड ने भी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया प्रदर्श कला को, यानी कि ऐसी कला जिसमें सामूहिकता का बोध होता है, जो गिव एंड टेक का माध्यम होता है, जिसमें दर्शक होते हैं, अभिनेता होता है। तो ऐसी कलाओं को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कोविड-19 ने, क्योंकि हम लोग जोड़ने की बात करते हैं और कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता था। और हम लोग फिर से अब रंगमंच पर लौटने वाले हैं और इसी कड़ी में हम लोगों ने आज विश्व रंगमंच दिवस पर एक जो हम लोगों का रंग संवाद चलता था उसको प्रारंभ किया है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसको लेकर पहले से माइकिंग भी कराई गई थी। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने का कार्य एसडीओ धनंजय कुमार के आदेशानुसार दंडाधिकारी की नियुक्ति और पुलिस की तैनाती में कराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के क्रम में प्रशासन को कई जगह काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दूसरे दिन घंटाघर चौक से लोहिया पुल होते हुए स्टेशन चौक तक अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रुपेश कुमार मेराव अपने पूरे दलबल के साथ मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान टाइल्स मार्बल व्यवसायी तेजस शर्मा से भी दंडाधिकारी की बकझक हो गई, लेकिन टाइल्स व्यवसायी तेजस शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी दुकान के सामानों को हटाने को तैयार हूं, परंतु दंडाधिकारी का लोगों से बात करने का तरीका सही नहीं है। पदाधिकारी भागलपुर के आदेश पर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर के आदेश पर घंटाघर चौक से स्टेशन होते हुए आपका जो ये रेलवे स्टेशन चौक को पूरी तरह जो अतिक्रमण मुक्त करना है, ये एक दिन का प्रोग्राम है। फिर इसी तरह सतत प्रक्रिया है, पहले भी हम लोग जो है तिलका मांझी चौक पर इस तरह अतिक्रमण मुक्त किए हैं। परेशानी ये थी कि उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जो है रोड पर आपका चीज रखा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं मेडिकल इश्यूज के कारण गया हुआ था चेन्नई, मैं एक रात पहले ही उतरा था और उस कारण से मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे जो है 10 मिनट का समय दे, मैं तुरंत हटा लूंगा और
उन्होंने निंदे तरीके से मेरे से बात किया, जो सामाजिक तरीका नहीं होता है बात करने का। नशा मुक्ति अभियान को लेकर सामाजिक स्तर पर पुलिस और स्थानीय लोगों की बैठक आज जोक्सर ओपी के प्रभारी अजय अजनबी की अध्यक्षता में कोयलाघाट मोहल्ले में हुई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ शांति समिति और क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्गों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पुलिस के ऑपरेशन नव चेतना के तहत समाज को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया और हर तरह के नशे को समाज से उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया। भागलपुर के अलीगंज चौक के समीप राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर लगाकर करीब 1000 मरीजों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच व दवा वितरित किया गया। शिविर का उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव, बबीता यादव, बबरगंज थाना अध्यक्ष विश्व बंधु, वार्ड 42 के पार्षद सरयुग शाह एवं कई चिकित्सकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। चिकित्सा शिविर में इलाज कराने आए लोगों का ब्लड जांच, डायबिटीज टेस्ट, ब्लड प्रेशर, पल्स, वजन माप कर डॉक्टरों ने इलाज के साथ उचित सलाह दी। समाज सेवी विजय यादव ने बताया कि गरीब व असहायों की निस्वार्थ सेवा के लिए लगातार निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम जो है, जो मेरा निशुल्क चिकित्सा शिविर चल रहा है लगातार, ये 12वां शिविर है और ये कार्यक्रम अभी अलीगंज चौक पे महेशपुर स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, इसी स्कूल में लगाया गया है और ये प्रत्येक संडे संडे लग रहा है। पहले तो मतलब सप्ताह में 3 दिन लगता था, अभी संडे संडे सिर्फ रविवार रविवार को लग रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड के पैन गांव में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के 5वें दिन आचार्य देवी रत्नामणि शास्त्री ने माता ककई के प्रसंग को रस भक्तों के बीच वितरित किया। आचार्य देवी रत्नामणि शास्त्री ने कहा कि वह प्रत्येक माँ धन्य है जो कि स्वयं कष्ट उठाकर देश की रक्षा के लिए फौजी बनाकर देश के सरहद पर अपने बेटों को भेज देती है, ऐसी माँ को शत शत नमन। वहीं दूसरी ओर अयोध्या धाम से आए कथावाचक ध्रुवदास जी महाराज ने श्री राम के बाल लीला का वर्णन किया। इस मौके पर जय श्री राम के उद्घोष से समस्त सुल्तानगंज प्रखंड गुंजयमान हो गया। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ हवन से पूरा प्रखंड का वातावरण शुद्ध एवं सुगंधित हो गया है। यज्ञ आचार्य पंडित विजयदास जी ने बताया कि जहां तक यज्ञ की ध्वनि और धुआं जाता है, वहां तक की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए समस्त यज्ञ समिति के सदस्य अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पेट्रोल एवं डीजल और रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राज के नेतृत्व में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव के समीप भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया गया। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हाय हाय के नारे भी लगाए गए। जिला अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद मनमाने तरीके से भारत सरकार एक सप्ताह के अंदर 5 बार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पप्पू यादव के आह्वान पर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर गौरव कुमार, अंकित कुमार, आकाश, नीरज, नीलेश सहित जाप के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है गैस सिलेंडर का कि आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पे पूरे बिहार में पेट्रोलियम मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।